तो गाइस एक्चुअली हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा स्कूटी पंचर हो चुका है, ठीक है। 35 किलोमीटर इसको मैंने ऐसे ही हवा भर के पंप से चलाया, पंप भी हमारा नहीं था, हमने भैया से पंप लिया, फिर अभी तक इसमें आशीष हवा डालेगा और फिर ये भैया लोग जो है दिल्ली जा रहे, तो इनसे हमने पूछा पंचर रिपेयर किट होगा, तो इन्होंने बोला हाँ है। तो गाइस अब पहले हम इसका पंचर रिपेयर करेंगे, देन हम आगे की राइड भी कंटिन्यू करेंगे यार। तो फाइनली गाइस अब जैसा कि देख रहे हो यहाँ पंचर लगा हुआ था इस पे, तो मैंने फेविक्विक 3-4 एक्स्ट्रा रखा हुआ था, तो 2 फेविक्विक पंचर वाला ट्यूब ये भाई लोगों ने अपना पंचर रिपेयर किट लगा के इधर इसको रिपेयर किया, और इसमें मैंने फेविक्विक को मट्टी डाल के पूरे जैसे कर दिया है कि एटलीस्ट वहाँ तक हम पहुँचे जहाँ तक ये एटलीस्ट इसका पंचर हम सही से बनवा सके। अब देखो गाइस कहाँ तक क्या होता है। थैंक यू भैया। तो गाइस अभी पंचर बन चुका है मतलब, और रास्ता इधर का बहुत खराब है, वीडियो में तो आपको बहुत सही दिख रहा है और आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा कि चांगला का रूट कैसा था यार, बहुत खराब रास्ता है। और हमें मनाली रूट से जाना है, तो मनाली रूट तो समझ लो पूरे इंडिया का सबसे खराब रूट है हिली एरियाज का। और अगर मैंने सक्सेसफुली मनाली रूट से अपना स्कूटी वापस घर पहुंचा दिया ना यार, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि जम्मू कश्मीर से उधर लद्दाख जाके फिर उधर से मनाली से वापस करके, मतलब पूरा हमने एक सर्किट कंप्लीट कर लेना है हिमालयाज का, तो अपने में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी यार। लेकिन ऐसी अचीवमेंट्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि आपने देखा अभी हमने पंचर हो जाने के बाद कैसे पंचर बनवाया, मतलब क्या कैसे हुआ आपने सब कुछ वीडियो में देखा ही। हम पंचर की शॉप पे गए बट वहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम थी, दुकानदार ने दुकान बंद कर रखी थी, कॉल करवाया लोकल बंदे से तो वो भी आने के लिए रेडी नहीं था क्योंकि उसका पंचर का जो एयर मशीन होता है हवा भरने के लिए वो ख़राब था। तो यार 10 किलोमीटर घर, मतलब क्या ही बताऊँ यार, आज का दिन बहुत बेकार जा रहा है अभी तक तो यार। आई होप कि दिन की शुरुआत ख़राब हुई है बट दिन की जो अंत हो वो अच्छी हो यार, और कहते हैं अंत भला तो भाई सब भला। लेट्स सी भाई, जब देख रहे हो ना रोड का सिचुएशन क्या है, मैं थोड़ा आगे बढ़ो दिखाता हूँ। ये हमने स्कूटी खरीदी है, पीछे ढंगे ने हमने देखो ईटा लगा रखा है, और सामने गाड़ी कितनी मुश्किल से स्विफ्ट चढ़ी है, 2 बार पीछे गई फिर आगे आई, ब्रजा ने ऊपर से चढ़ाया।